नमस्कार, न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राशि निगम। उज्जैन में महाकवि कालिदास की रचनाओं के प्रति विद्यार्थियों और लोगों में रुचि बढ़ाने की नियत से 3 दिवसीय 18वां कालिदास समारोह शुरू हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग के 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाले समारोह में 9 संभागों के 200 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। कनिष्ठ और वरिष्ठ दो वर्गों में विद्यार्थी महाकवि कालिदास की रचनाओं पर आधारित चित्रांकन, श्लोक और नृत्य नाटिका की प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति देंगे। समारोह का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री पारस जैन, महर्षि सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण अध्यक्ष समेत वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में हुआ। कालिदास समारोह के इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। इसमें सभी प्रदेश की सभी टीमें आती है, अपने अपने प्रस्तुति देती है। इससे बच्चों को प्रोत्साहित भी मिलता है और मैं समझता अभी शिव की जो हमने प्रस्तुति की है वो भी एक अद्वितीय प्रस्तुति है। शायद आपने भी देखी होगी, पहले कभी उससे बढ़िया प्रस्तुति हुई है। इस प्रकार खुद बच्चियां इसमें भाग लेती है, बालक लेते हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम कालिदास समारोह के 3 दिवसीय होता है। जिन भी बच्चे इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम में आते हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ आज के साथ।